सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आफ्टर सो लॉन्ग मीन्स लॉन्ग ही होता है यार, एक हफ्ता मैं अभी तक राइड पे कहीं पे नहीं गया और ना ही हाईवे पे गया हूँ। सो निंजा 650 लेने के बावजूद भी मैं अभी तक सिर्फ रोड्स लोकल एरिया में चला रहा हूँ, हाईवे पे अभी तक नहीं गया हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं छोटा मोटा फोटो शूट के लिए एंड देन देखते हैं, अगर राइड का प्लान बनता है तो राइड पे भी जाएंगे। तो मेरा बेसिकली प्लान था कहीं हाईवे पे जाने का, बट ये लोग हैं बिना हेलमेट के आए हैं तो जा नहीं पाएंगे मुझे लगता है। तो देखते हैं कहीं पे नियर बाय फोटो शूट करके मैं निकलता हूँ फिर हाईवे पे। तो आगे चल रही है नेक्सॉन की ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। सो भाई आगे जो जनरेशन आने वाली है वो उनके लिए तो बेचारा पेट्रोल बचेगा नहीं, तो वो तो यही यूज़ करेंगे। सो ये बाइक हुई है मॉडिफाई हमारी शॉप से, जैसे कि आप सबको मोस्टली लोगों को पता है जो मुझे जानते हैं अच्छे से। अभी लेके आया हुआ यार, तू दिमाग से पैदल है क्या? तेरे को बोल रहा हेलमेट लेके आ, इम्पोर्टेंट है। हिंदी बोल रही हूँ, आया भी हेलमेट लेके। तो जो पीछे बैठा है उसके लिए कहाँ से लाएगा? घर तो ना दुकान है हेलमेट की ना भाई, बिना हेलमेट के तुम कहीं पे भी निकलना मना है। मैं तो नहीं निकलता, बाकी रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि बिना हेलमेट के मत निकला कीजिए। और जैसे कि अभी आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, भाई ये सब क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तुम लोग बताना क्या चाहते हो, जतलाना क्या चाहते हो और जनरेशन को सिखाना क्या चाहते हो यार? तुम हमसे देख देख के ना बच्चे क्या सीखेंगे, तुम मुझे ये बता दो। तुम स्टंट मार रहे हो, चलो ठीक है मारो, एक अलग से अपना सेपरेट लोकेशन ले लो गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के, अगर इतना ही तुम्हें शौक है वहाँ पर जितने स्टंट करने हैं जो करना करो। एंड कृपया करके अपनी ये जो बेकार सी चीज़ें ना वो हाईवे पे या कहीं पे मत करो यार। और फेम पाने के लिए लोग आजकल पता नहीं किस किस हद तक के जा रहे हैं यार, लड़कियां बिठा के। और लड़कियों के घर वाले मुझे समझ नहीं आते, उन लड़कियों के घर वाले चाहते क्या हैं? मतलब कि उनको पूछते नहीं है कि भाई तू कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, और विदाउट हेलमेट थी विदाउट शूज़ थी, कल को कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है मुझे नहीं मालूम। इवन कि जेके मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को ना अगर एक बार पुलिस पकड़ती है तो उनको छोड़ो, छोड़ना है तो, लेकिन उनकी बाइक ना कभी ना छोड़ो। उन लोगों की वजह से ना यार बाइक हमें चलाते हुए शर्म आती है, डर लगता है, क्योंकि लोगों की अब मेंटालिटी चेंज हो गई है बाइकर्स को लेके। पहले बाइकर्स की एक रिस्पेक्ट होती थी, बट जो जैसे कि ये लोग हरकतें कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब कि कोई सेंस बनती है यार। मतलब कि क्या ही बोलूँ यार, मतलब बेइज्जती करा दी इन लोगों ने बाइकर्स की। सो गाइज़ अगर आप लोग भी कुछ लोगों को मेरी वीडियो से तंगी होगी, कोई लोग मेरे को उल्टा सीधा ही बोलेंगे, आई नो, बट इन चीज़ों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता ना मैं कभी करूँगा। स्टंट करने करो यार, तुम्हारी लाइफ है, तुमने जीना मरना तुम्हारे हाथ में, बट तुम अपनी लाइफ के चक्कर में दूसरे की लाइफ क्यों स्पॉइल कर रहे हो? बच्चों को क्या सिखा रहे हो कि क्या यार, एक तो राजा डीसी और ये सब स्टंटर्स जो लगे हैं फालतू के फेम पाने के चक्कर में। भाई तुम्हारे जो फेम पा रहे हो ना तुम, उसके जो फेम वाले जो तुम्हें सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स है ना, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं, ठीक है? ऐसे छपरी यूट्यूबर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जब पहचानने वाले जानने वाले जान जाएंगे कुछ ये हरकतें करके तुम कौन सा फेम पाना चाहते हो मुझे नहीं मालूम। क्या मैं नहीं चाहता, मेरे पास बाइक है, मैं भी दिल्ली से आया हूँ, मैंने 130 से ऊपर नहीं लेके गया। लाइफ अपनी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो दूसरे की भी लेनी चाहिए। तो इस वीडियो से बहुत लोगों को तंगी होने वाली है, बट क्या करूँ, मजबूर कर रहे हैं ये लोग। फेम पाना है पाओ, अच्छा करो, कोई ढंग का कॉन्टेंट बनाओ जो कि बच्चों को कुछ सिखाए और तुम्हें भी कुछ सिखाए, ना कि बच्चों को तुम एक गलत एजुकेशन दे रहे हो। जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों की नज़र में बाइकर का मतलब कि मतलब ही चेंज हो गया यार। मीन्स बाइकर्स ये हो गए हैं कि भाई जो बस कटवट मारेंगे और गंदा चलाएंगे, बट बाइकर का मतलब अगर जिन लोगों को नहीं ना मालूम उनको मैं बता दूँ कि भाई बाइकर ये नहीं होता कि जो टॉप स्पीड खींचेगा, सुपर बाइक ले लेगा। सुपर बाइक आजकल जना सना ना गली मोहल्ले में हर एक बंदा ले रहा है, ठीक है? तो उसका मतलब ये नहीं, मैंने लिए मेरे लिए भी बोलेंगे यार तूने भी तो लिया, भाई मैंने भी लिए, बट चलाने का ढंग तुम में और मेरे में बहुत फ़र्क है। मैं अपने आप को बाइकर बोल सकता हूँ और हक से बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम जैसा ना मैं चलाऊँगा ना कभी चला सकता हूँ। ऐसा तुम बोलो कि हाँ भाई तू कैसे चलाएगा भी कैसे, तेरे में इतना गट्स नहीं है, भाई गट्स बड़े हैं, बट जिस बंदे के सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ना वो कभी भी ऐसा नहीं चलाएगा। बेसिकली निकला था मैं व्लॉग बनाने के लिए, बट जो सीन चल रहा है ना आजकल फेम पाने के चक्कर में, और पता नहीं कैसी कैसी ऑडियंस है वो भी उनको इतना फेम देती है, मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, भाई क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम लोगों की वजह से तो ये लोग उठ रहे हैं, वो आगे उनको चीज़ें मिल रही हैं करने को फालतू। भाई मेरे आगे बाइक के आगे नंबर प्लेट नहीं है, बट स्टिल मैंने अप्लाई किया हुआ है,
तो एप्लीकेशन मैं दिखा सकता हूँ और कोई मेरे पे कोई केस नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने अप्लाई किया, जब आएगा तब मैं लगा लूँगा। मेरी अपने एंड से बाकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। एंड जैसे कि जम्मू की खूबसूरती शाम को एक नेक्स्ट लेवल होती है यार, मैं चाहता था एक हाईवे का एक राइड मार ले। सो आने वाले दिनों में भाई जम्मू में बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है, जैसे कि आपको जो लोग जम्मू के हैं उनको मालूम है और जो नहीं है उनको मैं बता दूँ, जम्मू भी अब स्मार्ट सिटी है। एंड सो भाई लोग ये मशीन इतनी स्मूथली भागती है ना यार, अभी 100 ऐसे होगी पता भी नहीं चला। और सीरियसली जब से मैंने सर्विस किया ना, इसमें चेंजेस जो मैंने देखी यार स्मूथली इतनी हो गई है, क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट लेवल यार। प्यारी बाइक है, मैं बोलूँ अगर किसी ने लेनी है ना, अगर शो ऑफ नहीं करना और चलाने के लिए लेनी है तो बेस्ट बाइक है यार। कुछ लोग होते हैं ना कि आवाज़ के लिए लेनी है, सिर्फ दिखावा करना है, तो भाई इसमें लुक्स है, पावर है, स्मूथनेस है, माइलेज है, व्हाट एल्स, 650cc है। तो गाइस ये लोग पता नहीं कौन कौन सी नेक्स्ट लेवल जगह पे लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, बाई गॉड। ओ भाई साहब, जगह तो प्यारी है बट यार रोड अच्छी क्या बोलूँ मैं। यहाँ से देखो बेसिकली ये जम्मू तवी, आपने जैसे सुना ही है जब आप रेलवे स्टेशन में आते हैं तो वो देखो सामने जेसीबी लगी है भाई, बिल्कुल पानी के बीचों बीच मलबा इकट्ठा कर रही है। एंड जो वहाँ पे देख सकते हैं, शायद कैमरा में आए ना आए, बट जो सनसेट हो रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो शूट करेंगे एंड निकलेंगे वापस। तो ये एक लोकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फर्स्ट ब्रिज शुरू होता है भगवती नगर का। शक्ल देखिए 80 लाख वाली है, तेरा घर जाएगा, तेरा सब कुछ जाएगा। सो गाइस ये लोकेशन आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कभी फोटो शूट के लिए आना है। तो ये रही हमारी निंजा 650, फाइनली मैंने इसको सिरामिक कोटिंग कर दिया हुआ है एंड आप लुक चेक कर सकते हैं कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। सो बेसिकली अभी मैंने इसके लिए टेल डाइडी मंगाई है, बिकॉज मेरे को ऐसी बाइकें बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें टेल डाइडी ना लगी हो। एंड इसके लिए टेल डाइडी मंगाएंगे एंड वापस प्रॉपर जो स्टॉक है टेल डाइडी लगेगी एंड स्टॉक इंडिकेटर्स लगा के बिल्कुल स्टॉक बाइक हो जाएगी, नो एग्जॉस्ट नो नथिंग भाई, बिल्कुल स्टॉक बाइक में जो फील आता है वो अलग ही आता है। सो बताइए आपको बाइक कैसी लगी कैसी नहीं लगी, एंड किसी को अपनी बाइक में सिरामिक कराना है तो भाई प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो अभी फ़ोटो शूट करके निकलते हैं वापस। सो गाइस हो गया फ़ोटो शूट फाइनली, छोटा मोटा ही था बस। तो अभी निकल रहे हैं वापस और रोड आप देख ही सकते हो यार, रोड नहीं है बेसिकली, ये कच्चा रोड है। एंड बाइक बड़ी मस्त है यार, आप सिटी में इसको स्पोर्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, थोड़ा लीन होके, एंड जब आपने टूर करना है तो थोड़ा आगे बैठोगे तो काम हो जाएगा आपका सेट, ठीक है। सो फोटो शूट आप अगर आपको देखना है कि कैसी फोटोज आई हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं पृथ्वी महाजन करके। एंड मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट साइड पे कि क्या आपको डीपी दिखेगी। तो बाकी नाइट का व्यू आप चेक कर सकते हैं कि नाइट में आपको निंजा 650 का कंसोल कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। एंड नाइट आई मैंने जैसे कि इंस्टॉल की हुई है तो आप फ्लो देख सामने देख सकते हैं नाइट आई का जो रिस्पॉन्स है कैसा नहीं है। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ फिर भी जो रोशनी है बहुत प्यारी है। एंड बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया सर्विस कराने के बाद तो ये नेक्स्ट लेवल अलग ही रिस्पॉन्स कर रही है, स्मूथ और बड़ा क्रिस्प सा इंजन है कि मतलब कि आप बस थ्रॉटल दो और ये बोले कि बूम, तो ये कुछ ऐसा फील आएगा इसमें। सो अभी चल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ एंड फिर कुछ और भी काम है, संडे है तो वही हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, शॉप के लिए, घर के लिए, फ्रेंड्स फैमिली, हर एक चीज़ के लिए। तो अभी निकल रहे हैं वापस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।